नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 27 जुलाई को किसानों के लिए एक नई यूरिया लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है यूरिया गोल्ड। और यह जो यूरिया है, यह पुरानी यूरिया से थोड़ी अलग है। इसका जो कलर है वह पीले कलर का है, जबकि जो पुरानी यूरिया होती थी हमारी वह सफ़ेद कलर की होती थी। पुरानी यूरिया जो है नीम कोटेड होती थी, तो ही जो है नई यूरिया जो होगी वह सल्फर कोटेड होगी। और इसमें जो है 37% नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन के साथ जो है 17% जो है सल्फर की भी मात्रा होगी। सल्फर जो होगा वह यूरिया के ऊपर कोटेड होगा। और आप तो जानते ही, हमारी फसल के लिए सल्फर का बहुत ही अधिक महत्व है। किसानों को जो है सल्फर की पूर्ति करने के लिए जो है अलग से यूरिया के साथ सल्फर मिलानी पड़ती थी। अब अगर जो हम अपनी धान की फसल को, गेहूं की फसल को, गन्ने की फसल को, या सब्जी वर्गीय फसल को, या दलहनी फसल को हम यूरिया देने जा रहे हैं, तो यूरिया के लिए हम यदि यूरिया गोल्ड यूज कर लेते हैं तो हमें जो है सल्फर देने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसका रिजल्ट भी हमें काफ़ी बेहतर मिलेगा। पुरानी यूरिया जो है, जब हम किसी फसल में देते थे और यदि फसल में पानी भरा रहता था तो यूरिया की ज़्यादा मात्रा जो है लीच डाउन हो जाती थी, यानी कि जमीन के नीचे पानी के साथ घुल करके चली जाती थी, और यहाँ तक जो है भूमिगत जल को भी दूषित करती थी। वहीं जो आपकी नई यूरिया होगी, इसमें जो है लीच डाउन की क्षमता काफ़ी कम होगी, यानी कि धीरे धीरे घुलती है, इसलिए एक नुकसान तो हमारा यह नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि जब हम किसी फसल को यूरिया देते थे और अधिक धूप होता था तो ज़्यादातर यूरिया हमारा जो है वाष्पीकृत होकर के जो है वायुमंडल में उड़ जाता था। और जो नई यूरिया होगी, इसमें जो है धीरे धीरे घुलने की क्षमता है, इसलिए जो है वाष्पीकृत होकर के गर्मी की वजह से जो है वायुमंडल में नहीं उड़ेगी। और इसका जो फ़ायदा है वह पुरानी यूरिया से जो है 25% हमारी फसल को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो वाकई में यह काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। और ऐसा नहीं है कि वर्तमान में जो है हमें पुरानी यूरिया नहीं मिलेगी, वर्तमान में जो है हमें अभी पुरानी यूरिया मिलती रहेगी। अभी इस पर कोई राय नहीं है कि पुरानी यूरिया सरकार बंद करेगी कि नहीं बंद करेगी, अभी इस पर कोई बयान नहीं है। और वर्तमान में हमें दोनों यूरिया हमें उपलब्ध मिलेगी। हम चाहें तो 46% वाली यूरिया ले सकते हैं, या हम जो है 37% यूरिया प्लस 17% सल्फर वाली यूरिया ले सकते हैं। यदि हम सरसों की खेती करते हैं तो सरसों की खेती के लिए जो है सल्फर का बहुत ही अधिक महत्व होता है। यदि हम अपनी सरसों की फसल को सल्फर दे देते हैं तो दानों में तेल का परिसर बढ़ जाता है, फसल हरी हो जाती है, फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है, शाखाओं का फुटाव भी बहुत अच्छा होता है। तो किसान जो है तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए जो है अपनी सरसों की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर देते थे। तो अब यदि सरसों की फसल को हम नई यूरिया गोल्ड दे देंगे तो हमें अलग से सल्फर देने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारी फसल को जो है यूरिया भी मिल जाएगी और सल्फर की भी पूर्ति हमारी फसल को हो जाएगी। दलहनी फसलों के लिए भी सल्फर का बहुत ही अधिक महत्व होता है, और यदि हम यूरिया गोल्ड दलहनी फसलों को देंगे तो हमारी दलहनी फसलों को जो है यूरिया के साथ साथ सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। वहीं यदि हम सब्जी वर्गीय कोई फसल लगाते हैं, नेनुआ, करेला, लौकी, बीन्स या अन्य कोई फसल लगाते हैं, तो सब्जियों की फसल में भी सल्फर का बहुत ही अधिक महत्व होता है। यदि हम सब्जी की फसल को सल्फर ना दें तो हमारे सब्जी के फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकती है, चाहे हम कोई भी तत्व उसको दे दें। तो यदि हम अपनी सब्जी की फसल को जो है यूरिया गोल्ड देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा, क्योंकि यूरिया के साथ जो है हमारी फसल को अलग से सल्फर भी मिल जाएगा। और सल्फर जो है कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है, फंगिसाइड के रूप में भी कार्य करता है, और ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी कार्य करता है। तो सब्जियों की फसल के लिए तो यह एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। और बहुत से क्षेत्रों में जो है मिट्टी में जो है बहुत ज़्यादा सल्फर की कमी है, और वहाँ के जो किसान अक्सर सल्फर नहीं दे पाते अपनी फसल को, तो वहाँ के किसान यदि यूरिया गोल्ड का इस्तेमाल अपनी फसल में करेंगे तो उनकी फसल को जो है सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी, और मिट्टी में भी जो है जो सल्फर की कमी है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और यह यूरिया देने से जो है हमारी मिट्टी में जो है उर्वरा शक्ति की भी बढ़ोतरी होगी। रही बात इसके रेट की,
तो इफको सेंटर वाले बता रहे हैं कि जो यूरिया गोल्ड है इसकी भी कीमत जो है लगभग पुरानी यूरिया के समकक्ष भी होगी, और यहाँ तक यह भी हो सकता है कि यह जो है नई यूरिया से 15 से 20 रुपया सस्ती भी मिल सकती है। पुरानी यूरिया जो है हमारे भारत देश में किसानों को 266 रुपये प्रति बोरी मिलती है, तो पाकिस्तान में यही यूरिया 800 रुपये बोरी मिलती है, बांग्लादेश में 720 रुपये बोरी मिलती है, चीन में 2100 रुपये बोरी मिलती है, तो ही अमेरिका में जो है 3000 रुपये प्रति बोरी किसानों को मिलती है। हमारे देश की जो सरकार है बहुत ज़्यादा सब्सिडी जो है यूरिया पर देती है, ताकि हमारे किसानों का जो है बहुत ज़्यादा रुपया यूरिया पे ना लगे। वहीं डीएपी पर भी जो है हमारे देश की सरकार जो है बहुत ज़्यादा रुपया जो है सब्सिडी पर देती है। सरकार ने अभी तक इस बात का अनाउंस नहीं किया है कि यदि हम यूरिया गोल्ड लॉन्च कर दिए हैं तो हम पुरानी यूरिया बंद कर देंगे, ऐसा कुछ अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हमें लगता है कि मार्केट में जो है आपको दोनों यूरिया अवेलेबल होगी, आप अपने फसल के अनुसार जो है दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकेंगे। आपको पुरानी वाली यूरिया भी मिलेगी और आपको नई वाली यूरिया भी मिलेगी। तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये पहल है यह किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होने वाली है। अब हमें यूरिया के साथ सल्फर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यूरिया के साथ खुद सल्फर मौजूद होगा और हमारी फसल के लिए जो है काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।